हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव, होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 7B करवाऊंगी। 7B एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 5 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 57। 57 तीन नंबर का सम है। इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, 6 लेस देन द सेकेंड, एंड द सेकेंड नंबर इज 10 मोर देन द थर्ड। अगर पहले को हम ट्वाइस करें, मतलब दो गुना करें, तो वो ना कहीं जो सेकेंड नंबर है उससे 6 कम पड़ जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड द सेकेंड नंबर इज 10 मोर देन द थर्ड। जो सेकेंड वाला नंबर है वो थर्ड नंबर से 10 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स हमें फाइंड आउट करके देने हैं। चलो अभी करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट द फर्स्ट नंबर टू बी, हमने क्या मान लिया, x, ओके। देन द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर के बारे में क्या कह रखा है कि पहले नंबर का ट्वाइस किया जाए, मतलब हमने 2x कर दिया, ये भी कम पड़ जाता है 6। तो अगर हमें सेकेंड नंबर ही बताना है तो हम पहले नंबर का तो 2 टाइम्स कर देंगे प्लस 6 कर देंगे, ओके। देन द थर्ड नंबर इज, थर्ड नंबर के बारे में क्या बता रखा है, उसका रिलेशन है दूसरे वाले नंबर के साथ, ये वाला नंबर के साथ, 2x प्लस 6। वो बताता है कि थर्ड नंबर से सेकंड वाला नंबर 10 मोर है, तो हम सेकंड नंबर में क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, ओके जी। ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। अभी हम यहाँ डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन तीनों को ऐड करते हैं तो 57 आता है। यही मैं लिखूंगी यहाँ पे, एक्स प्लस 2x प्लस 6, इनको एक ब्रैकेट में रखते हैं, ओके। देन है प्लस 2x प्लस 6 माइनस 10। देखो मैंने तीनों नंबर रख दिए एक एक करके, यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे और 57 लिखेंगे। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। चलो ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं, यहाँ आएगा x प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2x, यहाँ से देखो क्या बचेगा, नेगेटिव 10 में से पॉजिटिव 6 को यहीं पे माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचता है नेगेटिव 4, दैट इज इक्वल टू 57। अभी हम x वाली टर्म्स को एक साथ ला के उनको ऐड कर देते हैं, ओके जी। यहाँ पे देखो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 5x, और 6 में से 4 चला जाता है तो क्या बचता है, पॉजिटिव 2, दैट इज़ इक्वल टू 57। अभी इस 2 की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ओके जी। 5x इक्वल टू 57 में ये क्या होगा जी, माइनस होगा, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस था, ओके। देन हमारे पास आ जाता है 5x इक्वल टू 55। अभी आगे करते हैं, इस 5 की भी हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 55 अपॉन 5। एक्स की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई, इट मीन्स पहला नंबर हमारा 11 आ गया, क्योंकि पहला नंबर हमने x ही लिया था। दूसरा नंबर क्या था, 2x प्लस 6, तो हम यहाँ से दूसरा नंबर निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है, 11 प्लस 6, 11 22, और उसमें अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 28 आ गया, ओके। अभी हम थर्ड नंबर भी निकाल लेते हैं, थर्ड नंबर हमारा क्या था, 2x प्लस 6 माइनस 10, यही था, इनको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4, 2x माइनस 4 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 4, 22 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 18।
हमारे तीनों नंबर निकल गए हैं, आप ना इनको नीचे लाइनों में लिख लेना, ओके। पहला नंबर 11, दूसरा 28 और तीसरा 18। क्वेश्चन 7 देखिए, इन अ टू डिजिट नंबर, कोई नंबर दो डिजिट का है, अ डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो टेंस प्लेस की ट्वाइस है, मतलब अगर 10 प्लेस पे 1 है तो यूनिट प्लेस पे 2 है, अगर 10 प्लेस पे 2 है तो यूनिट प्लेस पे 4 है, ठीक है, ये समझाने के लिए, ओके। इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर इसमें 27 ऐड कर दिया जाता द डिजिट आर इंटरचेंज, तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक नंबर लिया था कि भाई टेंस प्लेस पे 2 है तो यूनिट प्लेस पे 4 होगा, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए 27 तो ये डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाने चाहिए। ये करेक्ट आंसर नहीं है, अगर करेक्ट आंसर होता तो यहाँ पे हमारा ऐड करने के बाद 42 आता। ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को रफ काम है। चलो अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर हम करेंगे। हमें दिया क्या रखा है कि भाई यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो ट्वाइस है, तो इसीलिए हम ना टेंस प्लेस की डिजिट लेके चलते हैं। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस उसको हमने ले लिया एक्स, ओके। देन द डिजिट एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस क्या होगा भैया, यूनिट प्लेस पे दो गिनी है ना, तो 2x होगा, ओके। देन द नंबर इज 10 हमारे पास है 10 प्लेस पे 2 और यूनिट पे 4 है, तो नंबर क्या बनता है 24 ऐसे तो बन नहीं जाता कि भाई हमने 2 को प्लस कर दिया 4 से, यहाँ तो 6 आएगा ना, ऐसे नहीं बनता, वो होता है 20 + 4, यही होता है, तब हमारे पास 24 बनता है ना। अच्छा अब यही काम हम यहाँ करेंगे, जो नंबर हमारे पास टेंस प्लेस पे है ना उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स और फिर ऐड करेंगे 2x के साथ, ओके। तब हमारे पास नंबर आता है, क्या आता है यहाँ पे 12x आएगा ना, 12x ही आएगा, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x और फिर ऐड कर दिया 2 के साथ तो 12x आ गया, ओके। अच्छा अभी हम ना इंटरचेंज वाला काम भी यहीं कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। देखो यहाँ से मैं टेंस प्लेस पे हमने क्या रखना है, जो यूनिट प्लेस पे है, मतलब टेंस प्लेस पे हमें 2x रखना है, ये यहाँ से रब कर देते हैं, इसको रख देते हैं ऊपर और x को रख देते हैं नीचे, ये 2x हो गया और यहाँ नीचे क्या आएगा x। हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया ना, डिजिट इंटरचेंज होने के बारे में भी बात हो रही थी, तो नंबर क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2x प्लस एक्स, ओके 20x प्लस एक्स, तो यहाँ से आता है 21x, ओके। अभी हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया था जो पहली वाली डिजिट है, मतलब 12x में अगर हम ऐड करते हैं 27 तो क्या आता है, जो न्यू डिजिट हमारे पास आई इंटरचेंज करने के बाद में हमारे पास क्या आया था 21x आया था ना, तो यहाँ हम 21x रख देते हैं, ओके। अभी हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, 12x को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, 27 इक्वल टू 21x माइनस 12x, 27 इक्वल टू 9x आ जाएगा। अब इस 9 के ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर ये आएगा तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल टू x, 9 की टेबल में 27 आता है, काट देते हैं 3, x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। हमने लिया क्या था,
एक्स को हमने कौन से प्लेस पे लिया था, टेंस प्लेस पे लिया था, द नंबर एट टेंस प्लेस इक्वल टू क्या लिया था हमने, एक्स लिया था, तो यहाँ पे क्या आया है, थ्री। ओके, और द नंबर एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे हमने क्या लिया था, टू एक्स, टू एक्स क्या होगा, टू मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू थ्री, यहाँ तो यहाँ क्या आता है सिक्स। ओके, देन द नंबर इज क्या हो गया है, 36, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 करते हैं, इफ़ अ सर्टन नंबर इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड टू डिनोमिनेटर ऑफ 9/17, द न्यू फ्रैक्शन इज रिड्यूस टू 5/7, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाता है 9/17 के में, तो वो रिड्यूस होके बन जाता है 5/7। हम नंबर को ही मान लेते हैं, लेट द नंबर बी, हमने उसको मान लिया एक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या दिया हुआ था, 9/17, वो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया जाता है और उसको डिनोमिनेटर में भी, तो हमने नंबर माना था एक्स, दोनों जगह हमने इसको ऐड कर दिया, तो क्या बन जाता है 5/7। इक्वेशन हमारे पास आ गई, अभी हम इसको सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे ईजी तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे लिखना ज़रूर होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे। तो अभी आपको क्या करना है, 9+x को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर इक्वल का साइन लगाना है और 17+x को मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके जी, अभी हम ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, देन प्लस का साइन है, अभी 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल टू, 5 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85, देन प्लस का साइन है, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, ठीक है जी। अभी आप एक लाइन लिख देना, ट्रांसपोजिंग 5x टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड 63 टू द राइट हैंड साइड, अभी हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, 7x के साथ क्या लेके आएंगे, 5x, 5x देखिए इधर था पॉजिटिव, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 85 के साथ हमने लेके आना है 63, देखो इधर पॉजिटिव था तो ये इधर आके नेगेटिव हो गया। आगे करते हैं, 7x में से 5x गया तो हमारे पास 2x बच गया, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। अब इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे हम राइट हैंड साइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22/2, 2 की टेबल से एक कट जाता है, 11 सा पे हमारा आंसर आ जाता है, x इक्वल टू 11 वो नंबर है। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।